श्रम कार्ड, इंदिरा गांधी क्रेडिट शहरी योजना के अंतर्गत आवेदन और जीरो बैलेंस अकाउंट BOB के द्वारा खोले गए हैं। विश्वकर्मा जयंती पर अजय मेरू भवन निर्माण यूनियन की ओर से लगाया गया ई श्रमिक कार्ड पंजीयन शिविर। वार्ड 53 कल्याणीपुरा में लगाए गए शिविर में 200 मजदूरों के श्रमिक कार्ड बनाने का लक्ष्य। सरकार की मंशा के अनुरूप इन दिनों ई श्रमिक कार्ड बनाने का काम तीव्र गति से किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के श्रमिक कार्ड बनाए जा सकें। संयुक्त श्रम आयुक्त विश्वेश्वर चौधरी के मुताबिक 8,26,000 ई श्रम कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 1,70,000 से ज्यादा के पंजीयन किए जा चुके हैं। लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के ई श्रमिक कार्ड बना दिए जाएं। सोमवार को वार्ड 53 कल्याणीपुरा में अजय मेरू भवन निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लगाए गए कैंप में विभिन्न श्रेणी के मजदूर और कामगार वर्ग ने ई श्रमिक कार्ड बनाने के लिए पंजीयन कराया। यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार बोहरा और महामंत्री गोपालकांत बैरवा ने बताया कि ई श्रम कार्ड बनाने के बाद कार्ड धारक को 2,00,000 का बीमा और उसके साथ ही सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। आज श्रमिक कार्ड के साथ इंदिरा क्रेडिट कार्ड, लोन और बैंक ऑफ बड़ौदा के शून्य बैलेंस के अकाउंट भी खोले जा रहे हैं। आज 200 श्रमिक कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको पूरा कर लिया जाएगा। आज हमारे यहाँ पर अजय मेरू भवन निर्माण यूनियन के तत्वावधान में एक शिविर आयोजित किया गया। इसमें ई श्रम कार्ड, इंदिरा गांधी क्रेडिट शहरी योजना के अंतर्गत आवेदन और जीरो बैलेंस अकाउंट BOB के द्वारा खोले गए हैं। इसमें लगभग अभी तक करीबन 20 तो हो चुके हैं और अंदाशा है कि 3 बजे तक लगभग 200 ई श्रम कार्ड बन जाने चाहिए। आज विश्वकर्मा जी जयंती के उपलक्ष्य में अजमेर भवन निर्माण यूनियन की ओर से ई श्रमिक कार्ड, इंदिरा क्रेडिट कार्ड, लोन और बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जा रहे हैं। और शाम तक का हमारा जो लक्ष्य है 200 ई श्रमिक कार्ड बनाने का लक्ष्य है और मुझे विश्वास है कि ये पूरा हो जाएगा। तो ये कैंप जो आज लगा है यहाँ पर, तो वो आज का ही है, एक दिवसीय कैंप है या आगे भी और चलेगा? आज ही का है, आज ही विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में लगाया हमने। 200 श्रमिक कार्ड का लक्ष्य रखा है, लगभग ये हो जाएगा पूरा।